ये देखिए, ये है घेवर और इसकी जो है आधा कटिंग हमने कर भी ली है। और देखिए बाल है, बाल एक लड़की की जान होती है, पहचान होती है, ठीक है। बालों को नहीं काटना चाहिए कभी। वो तो मैं उखड़ी तेरी मोती माँ, भला छा जला गोल झूम जूते। ये देखिए अब होगी पिज्जा पार्टी शुरू। और मुझे लग रहा से जुदाई तो नहीं मांगी थी। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है संगीता आर्या और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले से। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम से फिट होंगे। आज जो मैं ब्लॉग काफ़ी दिन बाद ला रही हूँ, और क्यों ला रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि आजकल ना मन ही नहीं कर रहा था ऐसे ब्लॉग वगैरह बनाने का, तो टाइम नहीं मिल रहा है। सबसे ज़्यादा मेन बात है टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि एडजस्ट करने में ना अभी थोड़ा सा टाइम हो रहा है बच्चों के साथ ना, क्योंकि बच्चों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे बड़ा काम हमारे लिए हमारे बच्चे हैं। तो और अभी टाइम हो रहा है, 8 बज गए हैं, बच्चे जो है स्कूल चले गए हैं। उनको नहला के टिफिन तैयार करके हमेशा की तरह आज जो है बच्चों को मैं छोड़ के आ गई हूँ। और अभी आ गई थी, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ना रात को भी लेट में ही सोना होता है, क्योंकि मुझे पहले तो बच्चों का होमवर्क कराना है, खाना पीना बनाना है, बर्तन धुलने हैं, किचन की सफाई करनी है। ऐसे में ही जो है पूरी 11 बज जाती है, और 11 बजने के बाद जब बिस्तर पे आती हूँ तब फिर से मेरा ये वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम है। और बहुत मतलब किसी टाइम में 2 बजे रात सोती हूँ, किसी टाइम में 1 बजे। आप देख रहे होंगे मेरी आँख है ना एकदम से ऐसे लग रही है जैसे फिर से नींद आ रही है। लग नहीं रही, आ रही है, मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे। और मैं चाह रही थी कि अभी थोड़ा सा लेट जाऊं, लेकिन अभी जो है सफाई वगैरह भी नहीं हुई है, और मैंने अभी जो है नाश्ता भी नहीं बनाया। मतलब बच्चों को तो दे दिया है, लेकिन हमने दोनों के लिए नहीं बनाया, देवू और अपने लिए। देवर जी भी चले गए हैं, क्योंकि ना ठंडा नाश्ता मुझे अच्छा नहीं लगता और इसे भी पसंद नहीं है। तो ये देखिए अभी तक भी सोई हुई है, 10 बजे उठेगी खड़ी। तो अभी झाड़ू पोछा करना है, फिर उसके बाद जो है नाश्ता बनाऊंगी खुद के लिए भी, इसके लिए भी, और फिर उसके बाद नहाना धोना कपड़े धोना, और फिर टाइम ना ऐसे ही निकल जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। तो चलिए कोई बात नहीं, तो चलिए पहले अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं, काम शुरू कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मेरे परांठे बन रहे हैं अभी, और ये लगा दिया मैंने थोड़ा सा घी। गोले मुखड़ी तेरी मोती माँ, भला छा जला गोल झूम जूते खाला छकरे जाला चाय रोला तेरू। मुखड़ी तेरी मोती माँ, भला छा जला गोल झूम खाना छकरे। ये हमारे गर्मा गर्म चाय परांठे एकदम से तैयार। तो दोस्तों ये देखिए अभी मैं लगा रही हूँ अपनी बेटी की किताबों पे जुलत, क्योंकि ना विभू की किताब तो उसी टाइम मिल गई थी, लेकिन इसु की किताब जो है किताबें जो है उस टाइम ख़त्म हो रखी थी। तो अभी आया है उसका सेट, तो ये देखिए ये पूरा सेट जो है इसमें आया है, और इसी बैग को जो है स्कूल में भी लेके जाना है, क्योंकि ना उनकी मैम औरों ने कहा है कि इन्हीं बैग में आपको देना होगा। नर्सरी से लेके प्ले ग्रुप से लेके नर्सरी तक, सॉरी यूकेजी तक जो है ऐसे सेट आते हैं, तो सारे बच्चों के जो यही बैग देखने को मिलेंगे उधर। तो और अभी लगा रही हूँ मैं, कवर अप कर रही हूँ, और ये ना प्लास्टिक वाली जिल्लत लगाने में ना मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ना एकदम से मुड़ जाता है। ये देखिए इसको सेटअप करने में बहुत टाइम लग जाता है। थोड़ा किताबों पर कवर अप करती हूँ। एक भैया ने मुझे यूट्यूब पर कमेंट किया था, तो उनका नाम है सुशांत सिंह। भैया जी ने कमेंट किया था कि वो वाला गाना सुना दीजिए, तेरी जुल्फों से जुदाई नहीं मांगी थी, ऐसा गाना है। लेकिन
मैं आपको एक बार पहले बता दूं, ये गाना गाना बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ही ज्यादा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद भी गुनगुना के गा सकते हो। और इसकी ना टोन निकालना बहुत टफ है, लय को पूरे सुर के साथ बहुत, क्योंकि इसमें ऊंचा नीचा सब कुछ है, तो इसमें थोड़ा सा टफ होता है मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे लिए कमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। लोगों के कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि वो बेचारे भी अपनी फरमाइश करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगी, अगर कोशिश ठीक रही तो अच्छी बात है, नहीं रही तो प्लीज थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, क्योंकि गलती हर किसी से होती है, मैं भी एक इंसान हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरे जो से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरे जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, प्यार मांगा था खुदाई तो नहीं मांगी थी, तेरे जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरे जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ अब बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि उनका टाइम हो गया है। और ये देखिए मेरा आधा अधूरा काम भी रह गया है उधर। और ये ना इन बालों से भी मैं परेशान हो गई हूँ, बाल भी ना उलझते जाते हैं। इनको कटवा दो क्या? लंबे बाल किन किन को पसंद है कमेंट में बताना। अगर लंबे बाल वाले कमेंट जा रहा है तो मैं बाल को नहीं काटूंगी, नहीं तो काट दूंगी। देव को पता है कि मैं बाल नहीं काट सकती, बाल मेरी जान है, जान बाल मेरी जान है, बाल एक लड़की की जान होती है, पहचान होती है, ठीक है, बालों को नहीं काटना चाहिए कभी। वो तो मैं थोड़ा ऐसी बोल रही थी मस्ती के लिए, देव को चिढ़ाने के लिए, देव को पछतावा फील कराने के लिए कि देव ने क्यों काटे अपने बाल। है देव लंबे हो जाएंगे, लंबे तो हो ही जाएंगे। खैर ये देखिए, मेरी छोंदाड़ी सजदा जी की जल गलड़ी छिपी फट मुंड पारन दा फल बांध उछा हन के जांदी। टू 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 टाइम कतवे के बियार का जब टाइम कतवे निकल गई हूँ चोको लेने के लिए। तो दोस्तों ये देखिए, अभी है ना बच्चों को लाना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि ना गाड़ियां बहुत ज्यादा चलने लग जाती हैं एकदम से। ये आप देख सकते हो सभी माएँ लोग चली गई हैं अभी अपने अपने बच्चों के लिए लेने के लिए। ये देखिए चल आ गए हैं अभी पिज्ज़ा वाले शॉप पे, और यहाँ पे ना बच्चे जिद कर रहे हैं पिज्ज़ा खाने की। ये देखिए पिज्ज़ा क्या खाएगा, पिज्ज़ा क्या खाएगा, पिज्ज़ा है पिज्ज़ा घर ले जाएंगे पर, ठीक है घर में देव हुआ भी है ना, पैक करके ले जाएंगे, ठीक है। कैसे थोड़ा हंस दो। ऐसे कोई हंसता है? क्या कर रहे पिज्जा ओदल ओदल। आज पता है ना मैम ने कितनी कंप्लेंट करी बिबू की, वैभव राज की। मैम ने बोला वैभव राज बहुत ज़्यादा शैतान है और ये ना काम बिल्कुल भी नहीं करता है। और बोला ना मैम ने कि रूम में बंद कर दूंगी कल से, हैं अगर अच्छे से काम नहीं किया तो। क्यों नहीं करते आप काम बताओ? मैंने तो बहुत सारा काम कर दिया। क्या किया? बहुत सारे ऐसे इतने लिखा हाँ, और
ऐसे खींचा और बनाया गोल गोल। अच्छा ऐसा उसके अंदर ले बी लिखा। बी लिखा हाँ। और सीधे ऑरेंज बन गया और उस पे कलर करा ऑरेंज वाला। नहीं पर मैम ने तो बोला कि आप बहुत शैतान हो, आप बिल्कुल भी काम नहीं करते हो, लिखते तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैम को बोलते हैं पर सीधे कि मेरा हाथ पकड़ो मैम, मेरे से नहीं हो पाता है, ऐसा बोलता है कोई है? तब मैम ने डांटा ना हमें, बोला ना कि मैम आप इसका काम नहीं करेंगे, आप इसका हाथ भी नहीं पकड़ेंगे, वो खुद करेगा, है ना? बोला ना खुद करेगा, बोला हाँ। मामा मैं इसे नहीं हो पाता है, इसे नहीं हो पाता। मेरे से नहीं हो पाता तो किससे होगा फिर? दीदी से। तो ये देखिए ले पकड़, चलो ढंग से करना उसको। ये देखिए अब होगी पिज्जा पार्टी शुरू। और मुझे लग रहा मेरे बच्चों ने ना ये तोड़ भी दिया, तोड़ मतलब इसको ना अच्छे से पिचो दिया है, पेच दिया है इसको ना, क्योंकि ना ये देखिए मुझे पता ही था ऐसी होगा कुछ। ये देखिए ये हमने किया था चीज पिज्जा ऑर्डर और इन्होंने ना इसका सीधे चल दे नहीं हो रहा। अच्छा बिबू ले ये देखिए ये है घेवर और इसकी जो है आधा कटिंग हमने कर भी ली है और देखिए बच्चे खा भी रहे हैं और मैंने इनको टिफिन में भी दिया था आज थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा। ये देखिए खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही मज़ेदार एकदम खतरनाक वाला। तो आज हमारी बहुत सारी पार्टी हो गई है। ये देखिए ये कर रही है देवो अभी कटिंग। आप लोगों को किसी को आता है घेवर बनाना तो प्लीज़ मुझे भी शेयर कर दीजिएगा। तुझे तो ऐसे ऐसी चीज़ें आती, तुझे तो ऐसे ऐसी चीज़ें आती बनाने की, पूछ मत अब। तो अपने और हमारे यहाँ कल ना गेस्ट आ रखे थे, बुआ जी और आ रखे थे, तो उन्होंने लाई ये वाली मिठाई घेवर मिठाई, बहुत ही टेस्टी हो रही है। बुआ जी भी अगर ब्लॉग देख रही होगी तो एकदम मस्त मिठाई। अभी मिल रही हूँ मैं कुछ देर शाम के टाइम और अभी वैसे मैं छत पे बहुत कम आती हूँ लेकिन आज इसलिए आ गई क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे। मैंने सोचा चलो ठीक है थोड़ा सा हल्का सॉरी हवा भी लग जाएगी। ये देखिए इनके कारनामे। इशू बाल कैसे हो रखे? ये देखिए अभी कुछ इस तरीके से मार्केट लग गया है और ये है हमारी वाली गली। दोस्तों ये देखिए मैंने जो है गर्मा गर्म चाय भी बना ली है, लेती हूँ थोड़ा सा चाय का मजा। आइए आप लोग भी पिए। और तो दोस्तों आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपको ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।